छात्र छात्राओं में परीक्षा का डर दूर करने के लिए पीएम मोदी की पहल पर हर जिले में आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते शाहजहांपुर में भी स्कूली बच्चों ने आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया कार्यक्रम में शामिल हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का आयोजन पुमाया तहसील के कॉन्वेंट स्कूल में हुआ, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री के उस संदेश को भी आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं में परीक्षा का डर दूर करने की बात कही है। आर्ट कॉम्पिटिशन के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं ने अलग अलग संदेश देते हुए पेंटिंग बनाई। इसके बाद सबसे बेहतर पेंटिंग बनाने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने बच्चों को बधाई भी दी और सम्मानित भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। द्वारा विद्यार्थियों के अंदर से परीक्षा में जो खौफ होता है उसको दूर करने की जो व्यवस्था दी गई है, उसी को हमने यहाँ पर उनके द्वारा बताए गए सुझाए गए नियम के तहत इस कार्यक्रम के आयोजन किया है। और हमें लगता है कि बच्चों के भय से परीक्षा का जो डर था वो निकल गया है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का सिर कुचलकर हत्या की गई है। शव के पास ही खून से सनी ईंट भी बरामद हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज भाग 2 में रहने वाले 38 साल के पप्पू इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में काम करते थे। बीती रात तकरीबन 10 बजे दोस्तों से मिलने की बात कहकर वो घर से बाहर निकले थे। सुबह खाली पड़े मैदान में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी पनकी निशांक शर्मा का कहना है कि परिजनों और क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शक के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया है। क्या मामला है और इसमें क्या सामने आया? ये थाना पनकी क्षेत्र क्षेत्र पड़ता है। आज सुबह एक सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी, एक युवक जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसका मृत शरीर पास ही करीब उमसर वाला क्षेत्र है वहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर आई। हम लोगों ने इसमें जांच कर इसमें पोस्टमार्टम के लिए वॉलेंटियर पंचायत भिजवा दिया है। तहरीर लेकर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। अभी तक हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो हाथरस में सादाबाद क्षेत्र में आगरा रोड पर एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों युवक मुकेश और पदम एक ही गांव कजरोठी के रहने वाले थे। दोनों सादाबाद से काम करके गांव आ रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रहे कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ललितपुर में अवैध खनन की शिकायत करने के लिए निकले 2 युवकों को खनन माफियाओं द्वारा तेज रफ्तार सफारी कार से कुचल देने का आरोप लगा है। सफारी कार से कुचलने की वजह से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना जाखलौन थाना क्षेत्र के धौर्रा कस्बे के पास की है। परिजनों के हंगामा काटने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना जाखलौन में ग्राम दौर्रा में एक सफारी द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को चोटें आई। उसमें 1 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है, दूसरे व्यक्ति का उपचार चल रहा है। कार ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज को शुक्रवार को पीएम ने वाराणसी से रवाना किया था। शुक्रवार शाम क्रूज गाजीपुर के जमानिया पहुंचा था और वहां रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यालय स्थित रजागंज जेटी पर पहुंचा। वहां पर विदेशी सैलानियों का स्वागत जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने किया। रजागंज जेटी से सैलानी ई रिक्शा से गोरा बाजार स्थित लॉर्ड कार्नवालिस पहुंचे, जहां पर विदेशी सैलानी लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे का दीदार किया। वहीं लॉर्ड कार्नवालिस पहुंचते ही विदेशी सैलानियों का
CDO, SPCT समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं पर सैलानियों का स्वागत स्थानीय धोबिया नृत्य कलाकारों ने भी किया। उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा घूमने के बाद सैलानी वापस गंगा विलास क्रूज के लिए रवाना हो गए, जहां से वो आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। वहीं CDO श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि यहां पर लोकल पारंपरिक नृत्य धोबिया से परिचय कराया गया। गाजीपुर से गंगा विलास क्रूज बक्सर के लिए रवाना हो गया। गंगा विलास क्रूज से आने वाले हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं, उनका आज यहाँ पर गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे पर आज उनका स्वागत किया गया है। और यहाँ का जो स्थानीय लोक नृत्य है धोबिया, उसका इनके इनके सामने प्रदर्शन भी कराया गया है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे का भ्रमण किया है, उनको यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है। और अब इसके बाद ये लोग वापस गंगा विलास क्रूज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लखनऊ की चिनहट पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले शातिर लुटेरे बदमाश असलम को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश 2 साल पहले लखनऊ के गोमती नगर विभूति खंड चिनहट काकोरी क्षेत्र में लूट डकैती की कई सनसनीखेज घटनाओं को अपने गैंग के साथ मिलकर अंजाम दे चुका है। इस बदमाश की लखनऊ पुलिस को काफी समय से तलाश थी। असलम बांग्लादेश का मूल रूप से निवासी है, चोरखली थाना पंडरिया जिला बुरसल बांग्लादेश का निवासी है और ये अपने गैंग के साथ मिलकर अनेक आपराधिक घटनाओं का इसने अंजाम दिया है। उनमें से 8 मुकदमे पहले इनके खिलाफ लिखे हुए हैं। आपको बता दें कि UPSTF ने असलम के साथी हमजा को एनकाउंटर में मार गिराया था और गैंग के 4 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।